हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेज फ्राइड राइस। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और इस रेसिपी को बनाया है हमने लेफ़्ट ओवर राइस से। तो जब भी आपके घर में चावल बच जाए तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये हमारे पास लेफ़्ट ओवर राइस है, ये एक बाउल के करीब बच गए थे। तो अब हमने इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, जितने भी ये इसमें लम्स हैं उसको हम हटा देंगे इसमें से। तो ये देखिए, इसमें से जितने भी लम्स बने हुए थे हमने उसे बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल निकल चुके हैं इसमें से। अब हमने एक फ्राई पैन ली है, इसमें हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले चॉप की हुई गाजर। अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई ग्रीन बीन्स, ये हमने 2 चम्मच ली है और इसे बिल्कुल फाइनली चॉप किया है। अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे कैप्सिकम, ये मैंने हाफ कैप्सिकम को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था। तो इसे हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें हमने जो थोड़ा जैसे कि हाफ टर्न करना है, थोड़ा सा इसमें सब्जियों का कच्चेपन का क्रंच आना चाहिए। आप इसमें ढेर सारी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जो भी सब्जी आपको इसमें पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, सब्जियों को हमने बिल्कुल अच्छे से कुक कर लिया है, बस इतना ही इसे हमने पकाना था। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन, इसे भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छा सा सॉटे कर लेना है। स्प्रिंग अनियन अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसमें जो लेफ्ट ओवर राइस थे वो ऐड कर देंगे। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें हरे मटर ऐड कर दिए हैं बॉईल किए हुए, साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब विनेगर, विनेगर से इसमें बिल्कुल हल्का सा खट्टेपन का टेस्ट आएगा जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस को हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप ड्रॉप करके सारी जगह पे इवनली फैलाना है, ताकि सोया सॉस का जो कलर है और टेस्ट है वो इवनली हमारे चावलों में आ जाए। तो बिल्कुल देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला दिया है। अगर कम सॉस लगेगी तो हम इसमें थोड़ी सोया सॉस और भी ऐड कर लेंगे, बट एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज़ इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड में आ जाएगा। और एक बात और कि जो सोया सॉस है और विनेगर है उसे आप स्टार्टिंग में ही सब्जियों के ऊपर मत डालिए, उसे आप जब चावल ऐड कर दो उसके बाद ही ऐड करें। इससे इसका जो कलर है वो भी पता लग जाता है कि कितना लाइट आएगा या डार्क आएगा। तो थोड़ी सी सोया सॉस की इसमें कमी लग रही थी तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है और इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक चीज़ स्किप की है, वो की है ब्लैक मिर्ची। अगर आप चाहो तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर सकते हो, तकरीबन 1/2 चम्मच। लास्ट में हम फिर से एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे। तो लीजिए, हमारे ये फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने लेफ्ट ओवर राइस से बने हुए मिक्स वेज फ्राइड राइस सर्व कर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने हैं। जब भी आपके पास कभी भी चावल पचाएँ तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।